चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। आप सभी को मेरे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी भाइयों को बहनों को सबको बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के बिना हम कलाकार अधूरे हैं और आप ही हमारी आवाज जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। आज मैं यहाँ पर अपने साथी कलाकारों के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं राम शंकर अपने साथी कलाकारों के साथ हाजिर हुआ हूँ। केरकर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित बोरी गली के मैत्री ग्राउंड में रासलीला नवरात्रि 2018 के आयोजन के उपलक्ष में, उसका जो लॉन्च है उसके उपलक्ष में हम यहाँ पर आए हैं सभी। और ये बहुत ही खूबसूरत नवरात्रि का कार्यक्रम पिछले 3 सालों से हो रहा है और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। और इस कार्यक्रम के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिन लोगों की मेहनत है, जो ऑर्गेनाइजर्स टीम है, वो श्री धर्मराज सिंह जी, श्री विनय सिंह जी, श्री रामपाल जी, श्री समीर पन्ना जी, श्री धर्मेश जोशी जी और श्री कुणाल केरकर जी, ये वो हस्तियां हैं, ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत और जिनकी लगन से ये रासलीला नवरात्रि उत्सव लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और लगातार लोगों में पॉपुलर हो रहा है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मेरे बेटे आदित्य शंकर, जो कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा गा रहे हैं, प्रेमाक सिंगर। मेरी बेटी स्नेहा शंकर, जो कि कई फिल्मों में, टीवी सीरियलों में गा रही हैं, सारेगामापा फेम हरजोत कौर और विपुल व्यास, गुजरात के बहुत ही मशहूर सिंगर, शीतल मेहता बहुत ही अच्छी सिंगर। और इस प्रोग्राम में मोहम्मद अयाज, जो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हैं, वो भी गा रहे हैं। आज वो आ नहीं सके, किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें जो बैंड है, इसमें जो म्यूजिकल ग्रुप है, वो मशहूर गिरीश अनूप बैंड है, जो कि आप इंडियन आइडल, सारेगामापा में जिनको आप देखते हैं, वो बैंड, वो म्यूजिकल ग्रुप धमाल मचाएगा इस नवरात्रि कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को पूरा संचालित कर रही है मॉडल और एंकर राशि जौहरी। राशि जौहरी जो है बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छी एंकर है। और इस प्रोग्राम की जो टीम मैनेजर हैं, वो हैं निकिता धार। निकिता धार, आप भी आ जाओ उधर। तो ये सब लोगों की मेहनत है, सब लोगों की लगन है, सब लोगों की भागदौड़ है। और इस कार्यक्रम की खास बात ये है कि इस 9 दिन के उत्सव में, इस 9 दिन के कार्यक्रम में नवचंडी हवन यज्ञ भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि डांडिया के साथ, गरबे के साथ नवचंडी हवन यज्ञ जो हो आयोजित हो रहा है पंडित जी के, आचार्य जी के गाइडेंस में, इनके मार्गदर्शन में ये नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ 9 दिन आए और रासलीला का आनंद लें और यज्ञ में भी शामिल हो मां दुर्गा का। रात्रि उत्सव का एक और खास आकर्षण है, एक खास और अट्रैक्शन है, मिसल उत्सव। ये मिसल उत्सव जो है, इसमें आपको तरह तरह के अलग अलग शहरों के मिसल का मजा आएगा और मिसल खाने आप लोग जरूर आए और आनंद लें इस मिसल उत्सव का। थैंक यू वेरी मच। जो नए जर्नी उन्हें बताना पड़े, लेकिन रामचंद्र को हम जानते हैं सर, जो नहीं जानते। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है, नवरात्रि उत्सव हो रहा है, और ये मेरे सारे, क्योंकि मैं भी बोरीवली से ही हूँ, बोरीवली में ही मेरा बचपन बीता है, बोरीवली में ही पैदा हुआ, बोरीवली में ही बड़ा हुआ। तो ये सब मेरे मित्र हैं, सारे मेरे मित्रगण हैं और बहुत ही, इन सब से बहुत प्यार है। तो जब इन्होंने ये प्रपोज़ल मेरे सामने रखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
और मैं कई साल पहले किया करता था नवरात्रि, फिर मैंने बीच में बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई तो नहीं कर पा रहा था। तो इस बार जो इन्होंने ये ऑफ़र दिया और बड़े प्यार से कहा, तो फिर मैं ना नहीं कर सका और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये 9 दिन जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम लोग बहुत ही अलग हट के कुछ करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट है, जब मैं बात करता हूँ सकता है पंजाब सिंह की गुजरात मराठा, जब हम जरा गाना मंगाते हैं गुजरात की बात कर लूँ, मरजोत की बात कर लूँ, मैं स्नेहा को अगर बात करूँ, आदित्य की बात करूँ, सब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जगह से लोग आ रहे हैं और अलग अलग ये जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है और ये मिस्टर कुणाल केरकर जी है, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम और कुणाल केरकर जी जो है इनका सबका ये आइडिया है कि ये कैसे कॉम्बिनेशन। और जहाँ पर हम नवरात्रि की बात करते हैं तो वहाँ पर माँ दुर्गा का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये नवचंडी जो हवन हो रहा है कि दिन में हवन होगा और रात में रासलीला होगी, गरबा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि हम अब पूजा पाठ भी करेंगे रात को, माँ के शरण में जाके हम रासलीला भी करेंगे, गरबा भी करेंगे हम, तो ये बड़ा अच्छा एक उनका कॉन्सेप्ट। और जब थक जाएंगे गरबा करके जब दर्शक, तो फिर मिसल खाएंगे। सर ये मिला जुला रहेगा, गंगा जमनी सारा संगम रहेगा और इसमें हम कुछ फिल्मों के भी गाने ऐसे ही चूज करेंगे जो कि एक डिसेंट हो गाने और जो इस फेस्टिवल से फेस्टिवल में कोई फुहड़पन ना आए, क्योंकि हमारे सिलेक्शन जो एक नाम है, एक जो रेपिटेशन है, उसके हिसाब से कुछ भी गाना नहीं गाएंगे। बड़ा सेलेक्टिव सॉन्ग्स हमने लिस्ट बनाई है कि रास अपने ये गरबे के साथ जो फिल्मी सॉन्ग्स भी होंगे वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेलोडियस और रिदम के साथ और इस फेस्टिवल के साथ मैच होते हुए होंगे गाने। मुझे डैडी स्पेशली बहुत सारी तैयारियां करवा रहे हैं आप सभी के लिए, ताकि आप सब आए और हमारे साथ एंजॉय कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं डैडी के साथ, भैया के साथ, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ परफॉर्म कर रही हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप सब आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और हम सब इंजॉय करेंगे। जब आप लोग आएंगे तो आपको पता लगेगा। और हम लोग सब बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये एक कार्यक्रम बहुत अच्छा हो और सब बहुत इंजॉय करें। सो सब अलग अलग तरह के गाने गाएंगे तो आपको हर रंग मिलेगा इंडिया का, जैसे आपने बोला कि वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, वॉइस ऑफ गुजरात, और इतने टैलेंटेड सिंगर्स के साथ मुझे परफॉर्म करने को मिल रहा है। सो बहुत वैरायटी मिलेगी एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत मजा आएगा। हम लोग गुजराती हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि माता जी के गरबे जो बहुत ही फेमस हिट नंबर्स है, जो लोगों की जबान में होते हैं, लोग नाचते नाचते हमारे साथ गा सकते, वैसे ही बहुत अच्छे पॉपुलर नंबर्स गुजराती गाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें। हम चाहेंगे कुछ लाइव यहाँ पे गा के दुनिया को सुना दें। चल लाइव मैं तो जो है मेरा फेमस उसका ही मुखड़ा सुनाऊंगा और उस पर भी मैंने माता जी के कुछ ऐसे हैं। यारों सब दुआ करो मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो जरा, तुझे देखा सांसे मुझे आई अब तुम, धड़कने रुक गई निकले न तुम, खुदा सोने टुकड़े बनता है जीवन, पर मिट तुझ पर भूल गए हम, भूल गया दिल गया रे
अम्बे माँ दया करो, मेरे सर पे हाथ रखो, अम्बे माँ दया करो, सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो, अपना बना लो सेवादार माँ। अरे और वो भी चलता है, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा, जीना सकूंगा तेरे। तो हमने अपनी ही बहुत सी तर्जों पे माता की बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं बनवाई है, भजन बनवाए हैं, और कुछ ओरिजिनल ऑथेंटिक गरबे भी होंगे, कुछ अपनी धुनों पे अपने जो लिखवाए हैं वो भी गाएंगे। तो कुल मिला के ये मिला जुला बड़ा सुंदर कार्यक्रम होगा। मैं चाहूंगा हरजोत तुम भी कुछ धिन्तराग, धिन्तराग बिल्कुल 100%। ये हमारी खुशनसीबी भी होगी कि डैडी के साथ स्टेज शेयर करते आई हैं, आगे भी मौका मिलेगा, जो कि नवरात्रि का इवेंट है, जो कि हम मेरा पूरा परिवार माता रानी का भक्त है, बहुत मानता है, बहुत श्रद्धा है, तो बिल्कुल आपको हम तीनों का परफॉर्मेंस साथ में गाए थे। तो आज के तारीख में बहुत सारे सिंगर्स हैं गरबा में जो गाना गाते हैं, आज उनका कुछ लोगों का नाम है, तो आने वाला फेस है स्नेहा शंकर, यानी यहाँ से शुरुआत होगी लेकिन ये बहुत आगे तक जाएंगे और मेरे ख्याल से आगे जाके इनका ही नाम चलेगा। जो बैठे हैं सबसे पहले गुरु जी कहकर ट्रस्ट की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी दिग्गज उन्होंने रामशंकर जी ने म्यूजिक के इतने बड़े दिग्गज हैं, इन्होंने बोल दिया है काफ़ी कुछ, हमारे कुणाल भाई ने भी ब्रीफ किया है, तो हम इतना ही बोलेंगे कि माता रानी का हम पे आशीर्वाद होता है कि हम ये ऐसी इवेंट करें और ऐसे दिग्गजों को लेकर उसको सफल बनाए आप लोग मिल के, उतनी हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी। कुल मिला के गुरु जी सुना रहा हूँ मगरी नथुना घुघर बोलिया, मगरी नथुना घुघर बोलिया, अजवाणी राते माए अमरात ढोया, गगन नगर वो माना चरण माझू क्यों, गगन नगर वो माना चरणों में झुक्यो, हो मड़ी तारू कंकु खर ने सूरज उग्यो, मड़ी तारू कंकु खर ने सूरज उग्यो, खुशी रे अम्मी माँ
Thank you.